तो आज हम लोग एससी वर्मा सर के अकॉर्डिंग चलें तो नया चैप्टर पे बात करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये क्या है, हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इस चैप्टर में हम इस बात पे आपसे बात करेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं कि अगर कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंस में कुछ सब्सटेंसेज हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड ही और अट्रैक्ट होते हैं, कुछ हल्का सा रिपल्सिव लगता है और कुछ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट या रिपल्सिव होते हैं। बच्चों, ये जो हल्का सा मैं कह रहा हूं ये हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। नॉर्मली आंखों से उतना नहीं ऑब्जर्व हो पाता है, दिखता कम है, लेकिन एक बल्क लेवल पे थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होना या रिपल्सन होना, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी जिंदगी में। तो बच्चों, इस आधार पर इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो मैटर है उसको तीन तरह के सब्सटेंसेज में बांटते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। आज हम इन पे बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्यों होता है ऐसा, किसी भी सब्सटेंस में कैसे पता लगेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। फेरो मतलब आयरन से हुआ हुआ फेरस, तो फेरोमैग्नेटिक वही है बच्चों जो आप लोग जानते हो, लोहे के टुकड़े वाला। तो ज्यादा जो समझाना है वो पैरा और डाई के बारे में, लेकिन उससे पहले ये तो मैग्नेटाइजेशन के टाइप हुए। हमारा जो पहला टॉपिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आखिर किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह क्या है। कोई भी सब्सटेंस है उसमें क्यों मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तो उसके लिए हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं। तो पहला मैं हेडिंग इस चैप्टर में डालता हूँ, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। आखिर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होने का क्या मतलब है, मैग्नेटाइजेशन। ऑफ मटेरियल्स तो हम लोग फिर बेसिक एटॉमिक लेवल पे जाएंगे। एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं। सबसे अंदर वाले में दो ही हैं, जैसे इसी की बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते जाएं। पहले एक एटम को समझते हैं, फिर एक छोटा सा मैटर का एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे जिसमें करोड़ों अरबों एटम होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो एटम में आप लोग गौर करिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसके दो तरह के मोशन हो रहे हैं। एक तो ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और दूसरा स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन का मतलब ऑर्बिट में घूमना, और बच्चों हमने कई बार बातचीत की कि इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में घूमता है बहुत ज्यादा तेज घूमता है, और इसकी वजह से ये सोचते हो कि कई बार तो ये स्थितियां हैं कि 10^15 16 इस रेंज में लगभग चक्कर लगा देता है पर सेकंड, बहुत ज्यादा होता है। तो इसको इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं कि 10^15, चलो 15 ही मान लेते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाए, राउंड 1 इन 1 सेकंड,
कितने इलेक्ट्रॉन 8 सेकंड में 8 सेक्टर लगाए, या 8 इलेक्ट्रॉन इतने सेक्टर लगाए, एक ही बात है। अब 10 की पावर 15 तो बड़ा अमाउंट है, आप क्यू इक्वल टू एनी से आप समझ सकते हैं, ठीक ठाक चार्ज है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों, तो इतनी करंट अगर पास हो रही है, मान लो ये करंट है, तो अंगूठा लगाओ और सोचो करंट पे अगर अंगूठा लगाते हो, ये आई है, तो आप समझ जाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ को जा रही है। तो इसमें नॉर्थ पोल, ये जो फ्रंट वाला है, ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा या नहीं, या साउथ पोल की तरफ? अगर बच्चों करंट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दिखा होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए। तो अच्छा नॉर्थ, आपकी उंगलियां करंट के ऊपर अंगूठा होगा, तो आपकी उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताएंगी, जो बाहर से अंदर की ओर जा रही होंगी और अंदर से फिर बाहर को निकल रही होंगी। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो नॉर्थ होता है हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके हाथ इधर से जा रहे होंगे अंदर को, ऐसे ही उंगलियां, और यहां से बाहर को आ रही होंगी, ऐसा हो रहा है। जहां से उंगलियां बाहर को आएंगी, वो नॉर्थ पोल से आती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को, हाँ सर, ये हम करते हैं। अगर ये नॉर्थ हो या साउथ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ऐसे दिखाते। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को कहां से निकल रही है, आप लोग इस पे ऑब्जर्व करिए ना। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को निकलती है वो नॉर्थ होता है, तो पहला वाला नॉर्थ और साउथ। तो आपने ये समझ में आ गया कि अच्छा, ये 8 इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑर्बिट। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल मैग्नेटाइजेशन भी है ऑर्बिट में। इसके अलावा स्पिन मोशन भी है, अपनी एक्सिस पे स्पिन भी हो रहा है, जैसे अर्थ का मोशन आप पद जानते हैं, और वैसे ये भी है स्पिन ऑर्बिट में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक के स्पिन को प्लस हाफ से दिखाते हैं, दूसरे को माइनस हाफ से दिखाते हैं। प्लस और माइनस समझिएगा, इसका मतलब एक क्लॉकवाइज मानते हैं, तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अच्छा, दोनों तरह के स्पिन की वजह से दो मैग्नेटिक मोमेंट, जब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने पढ़े हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, स्पिन क्वांटम नंबर भी होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी होता है। मैग्नेटिक दो हैं, दो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा, दो वेक्टर हो गए अब, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सिस्टम, क्या ये बात समझ में आई पहले? हाँ हेलो सर, बच्चों, ऑर्बिट की वजह से अपने आप में एक मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ऐसे स्पिन की वजह से भी होगा। आपने स्पिन क्वांटम नंबर सुना होगा, तो दो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, एक ऑर्बिटल मोशन की वजह से और दूसरा स्पिन मोशन की वजह से, और दोनों का वेक्टर सम करेंगे, जो जैसे दो वेक्टर होते हैं तो उनको जोड़ते हैं ऐसे ही, तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन की कहानी है, और जब आप किसी एटम की बात करते हैं तो बच्चों उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट रेंडमाइजेशन होता है, और एक ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट चल रहा होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस नजरिए से देखते हैं, तो नॉर्मली जब कोई मेटल पीस आप लेते हैं या कोई चीज, एक का इधर को होगा तो दूसरे का इधर
को होगा, तीसरे का इधर को चल रहा होगा, तो कोई ऐसा भी होगा इस तरह से। तो नॉर्मली कोई भी चीज आप अगर ऐसा मेटल भी उठा दें बच्चों, तो ओवरऑल उसमें मैग्नेट की कोई क्वालिटी होती नहीं है। नॉर्मली किसी भी धातु के टुकड़े को उठाइए, मेटल को, तो वो अपने आप मैग्नेट नहीं बन पाता, उसे बनाया जाता है। अपने आप क्यों नहीं होता वो मैग्नेट? क्योंकि उससे हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अपोजिट चल रहे होते हैं, तो इस तरह से ओवरऑल कहानी बैलेंस हो जाती है। अब अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा आसान है, 5 पेयर बन जाएंगे। लेकिन किसी एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो वहां एक एटम फिर भी बचेगा, 5 अगर आपस में कैंसिल करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट तो भी 8 तो रहेगा ही। तो हर एटम में अगर 8-8 इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हो तो ओवरऑल ठीक ठाक हो जाता है। यहां से नया टाइप का मैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे हम, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बोला वो थोड़ा लिखा भी देते हैं, क्या पूरी स्टोरी समझ में आ पाई? हाँ सर, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसको आप चाहें तो, या अगर ना लिखना चाहें तो दूसरा तरीका यह है कि आप एक बार उसे रीडिंग कर लीजिएगा। एससी वर्मा सर का जो पहला ये पेज है, ये सब वहीं से जो मैंने समझा है वो मैंने वैसे समझा दिया आप लोगों को बस। तो निवेदिता क्या करना है इसमें, लिखना है या तुम लोग पढ़ लोगे? एक बार लिख ले इसको। अच्छा, कुछ चीजें लिखनी है, ठीक हो गया, चलो ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया है या मुझे और थोड़ा समझा देना चाहिए? और आ गया समझ में से। अच्छा चलो ठीक है, फिर बच्चों थोड़ा सा लिख लो, कोई बात नहीं। अब इसको हम यार कहाँ से लिखूं, मैं चाह रहा हूँ अपने मन से जो लैंग्वेज बनाते हैं हम लोग वो लिखा जाए। सिंस मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना है? एटम्स मेड अप ऑफ एटम्स एंड विच आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जनरली वी से दैट न्यूक्लियस इज स्टेशनरी, यही बोलते हैं हम लोग, बट हाँ सर, इट इज नॉट। ऐसा नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाईली डायनामिक होता है, आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन हम जितना इमेजिन कर सकते हैं ना उससे भी ज्यादा डायनामिक। अब इलेक्ट्रॉन इतना डायनामिक है तो उसके सामने, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस ऐसा लगता है जैसे स्टेशनरी है, और जबकि ऐसा है नहीं। न्यूक्लियस की भी कहानी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। इसको समझने के लिए बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जाती है, पूरा न्यूक्लियस पर ही, बहुत डिटेल में। न्यूक्लियर फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाती है, इसका मतलब वहां बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। डिफिकल्ट ब्रांचेज में से एक है न्यूक्लियर फिजिक्स।
लेकिन जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का जो डायनामिक बिहेवियर है उसके सामने ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट स्टेशनरी है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं बोला मैंने तो, ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का दो तरह का बिहेवियर है, एन इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, टू टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन, और सेकेंड कौन सा, स्पिन मोशन। अर्थ की जैसी कहानी है, तो ये हो गया ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, एंड ऑर्बिट बिहेव्स एज, कैसा बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट, ठीक है ना। अभी समझाया था ऑर्बिटल मोशन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ये है, तो ये जो सामने दिख रहा है ये वाला फेस कैसा होगा, ऐसा बनाया था हमने अभी, तो इसका मतलब जो दूसरी साइड का फेस होगा साउथ होगा। तो ये आपका जो ऑर्बिट है ये भी अपने आप में एक मैग्नेट की तरह होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, सो इट हैज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब नई लाइन से, बिसाइड्स दिस ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पिन मोशन, स्पिन भी होता है, सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट। तो दो दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट हो रहे थे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों का वेक्टर सम जो हो रहा वो किसी इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा ना, हाँ सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट समझाने के लिए हमें इतने मेहनत करनी पड़ी, तो ऐसे ही अब उसी ऑर्बिट का अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बाकी तो सब सेम होगा, लेकिन बेटा स्पिन क्वांटम नंबर उसका अपोजिट होता है, तो रिजल्टेंट जो होगा इतना ही होगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा।
दस एवरी इलेक्ट्रॉन। एज अ मैग्नेटिक मोमेंट हमें ये पता लगा, हर एक का एक मैग्नेटिक मोमेंट, एक छोटा सा ये बना लेते हैं और ऐसे बना लो कुछ एरो जैसे, डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन इस टाइप का छोटा बनाइएगा। तो एक मेटल है मान लो, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन का इस टाइप का सर। यहां तक क्लियर हो गया होगा? यस सर। अब मैं ये समझा रहा हूँ, एट इलेक्ट्रॉन पे मैंने कर लिया काम, अब मैं एक छोटा पीस ले रहा हूँ, इफ वी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ सम मेटल, इफ वी टेक अ स्मॉल पीस ऑफ सम मेटल, कोई छोटा नहीं, वी ऑब्जर्व दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट, कोई इधर को कोई उधर को, तो नेट क्या आने की चांसेस हैं आपके? आपको क्या लगता है जितने एरो मैंने बनाए हैं इनका नेट किस टाइप का आ सकता है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, अगर ये सब एट डायरेक्शन में होते तो जुड़ जाते, अब कोई इधर को है कोई ठीक अपोजिट भी मिल जाएगा, हर एक इस तरह से आपस में लटपटिए कैंसिल ही हो जाएंगे। तो नॉर्मल जो कोई मेटल पीस होता है वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नॉर्मली शो नहीं करता, उसकी वजह समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का वो भी मोशन करता है, लेकिन उसका मोशन बहुत ही कम है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इलेक्ट्रॉन के सामने नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है तो लिख देना चाहिए इस बार। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो वजन में बहुत भारी होता है, ये हमने पहले भी बात की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के सामने वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी जैसा होता है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी इलेक्ट्रॉन के सामने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हैं, तो हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। ये बार लिख लीजिए, सिंस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में तो ऐसा समझिए कि वो रेस्ट में ही है, सो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, इट्स का मतलब किसका? न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस का, वेरी गुड, सो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जोरदार है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्पेक्ट टू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमने ये थोड़ा सा समझा दिया। अच्छा, आ
यहां पर अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट इस टाइप का हो, इस टाइप का, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ 12 मान लें, ये साइड में बना लीजिएगा सोर्स, ये बार मैग्नेट है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ एम मान लेते हैं, तो ये प्लस एम हो जाएगा, नॉर्थ पोल है, और इधर साउथ पोल हो रहा, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम ले लेंगे। तो इसके लिए एक दो टर्म जरा डिफाइन करते हैं। इसे में लिखे लेट अस स्टेट, और बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड पोल स्ट्रेंथ एम, पोल स्ट्रेंथ एम का मतलब 8 पोल प्लस एम होगा, 8 माइनस एम होगा, तो हम एम लिख देते हैं। तो 8 सी डिफाइन कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये डिफाइन कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं बच्चों, इसको हम एम अपॉन वी से दिखाते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से दिखाते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी, स्केलर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ठीक है, अब यहाँ पर जो एम है बच्चों वो होता है स्मॉल एम इंटू 12 पोल स्ट्रेंथ डायपोल मोमेंट की तरफ, और वी कितना हो जाएगा, ए इंटू 12 लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सो आई कितना आ जाएगा, फिर आई तो एम अपॉन बी होता है, तो एम इंटू 12 अपॉन ए इंटू 12, तो यहां से जो आई है इक्वल टू वो न्यूमेरिकली एम अपॉन ए। तो दो फॉर्मूले मैंने लिखा दिए, एक इक्वेशन वन और एक इक्वेशन टू, इक्वेशन वन इन जनरल बार मैग्नेट के लिए, इक्वेशन टू न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब आई क्या था, आई का क्या नाम था, अरे आई क्या लिखा हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोल स्ट्रेंथ तो एम हो गया पर यूनिट, डिवाइड किससे किया है, हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया से. तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते, तो इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं। तो बार मैग्नेट में कितनी इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन की वो इससे पता लगता है। तो ये बताओ कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी. हाँ, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखेंगे सोचो, तो उतना बढ़ जाएगी फिर तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए पतला पतला लेना चाहिए फिर बार मैग्नेट,
बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया वाला नहीं लेना चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ यस। तो एक सवाल पूछता हूं यार इस पर मैं छोटा सा आपसे। न्यूमेरिकल है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। और बार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ है, एज अ मैग्नेटिक मोमेंट एज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड मास ऑफ 6.6 × 10 की पावर -3 है, +3 है यार, -3 है, -3 ठीक ठीक हो गया। इफ द डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7.9 × 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको क्या क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और बार मैग्नेट का मास दिया है और मैग्नेटिक स्टील मोमेंट क्या की हुआ, कैपिटल एम या स्मॉल एम? मैग्नेटिक मोमेंट हुआ कैपिटल एम। वेरी गुड। तो कैपिटल एम दे रखा है और हाँ वॉल्यूम दे रखा है क्या? वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम दी है 7, नहीं सॉरी वो वॉल्यूम नहीं दिए, डेंसिटी दिए। मास दे रखा है। हाँ हाँ। मास 2.5 सॉरी 6.6 × 10 की पावर क्या हम -3 इस kg। फॉर्मूले से वॉल्यूम निकाल सकते हैं? हाँ मास दिया हुआ है, डेंसिटी भी दे रखी है, और तो वॉल्यूम आ जाएगा V, हाँ और कैपिटल एम दे रखा है ऊपर 2.5, बस हो गया। आप लोग कर लीजिएगा इसे, मैं आंसर बता देता हूं। ये आ रहा है 3 × 10 to the power 6 एम्पियर पर मीटर। I इक्वल टू 3 × 10 to the power 6 एम्पियर पर मीटर, ये है, बस हो गया। तो किया जा सकता है बच्चों, आप लोग करिए। तो इस क्लास को मैं यहीं पर ब्रेक कर रहा हूं। अब हम लोग 8:15 पे अभी नहीं जुड़ेंगे, अभी इतना ही कर लें, कल सुबह 4:30 बजे जुड़ जाएं हम। हेलो, ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है फिर, अभी इतना ही करते हैं। ठीक, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।